नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना की चपेट में जहां देश का हर वर्ग आहत है, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंदों को इस समय इस मुश्किल की घड़ी में हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है फरीदाबाद के माखन मिश्री मंदिर का, जहां रोजाना कई हजार लोगों के लिए खाना बनाया और बांटा जाता है। यह तस्वीरें हैं फरीदाबाद के माखन मिश्री मंदिर की, जहां लॉकडाउन के हालत में खाने तक के लिए मजबूर हुए लोगों के लिए तीन वक्त का भोजन बनाया जाता है। डिप्टी कमिश्नर आदित्य भारद्वाज बताते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन की खबर सुनी उस दिन मन परेशान हुआ और सोचा किस तरह से उन लोगों की मदद की जाए जो इस मुश्किल की घड़ी में खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अपने कुछ करीबियों को ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, जिसके बाद से लोगों ने उन्हें मदद के लिए आश्वासन दिया और इसी तरह से उन्होंने कुछ लोगों से बात किया जो वॉलंटियर के तौर पर मदद करने को तैयार थे। फिर उन लोगों तक पहुंच बनाई जिन्हें खाने की जरूरत थी। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ। आदित्य बताते हैं कि पहले दिन सिर्फ 500 लोगों के लिए इंतजाम किया गया था, हालांकि इसके बाद मांग बढ़ने लगी और फिर मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तो 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन तीनों वक्त में उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि एक टीम विशेष तौर से बंदरों और कुत्तों को खिलाने के लिए नियुक्त की गई है। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। आदित्य जी का मेरे पास फोन आया जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जिस दिन पहला दिन था, और आदित्य जी इस चीज़ के लिए बड़े इंस्पायरिंग लगे हम लोगों को कि उनका पूरा निष्ठा से ये मन था कि हम लोग के पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो डेली अपना पैसा कमाते हैं और अपने अगले दिन के जीवन के लिए उसका इंतजाम करते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि धनीश, हम लोगों को खाना बनाने के लिए कोई जगह चाहिए, तो खाटू श्याम माखन मिश्री मंदिर में जैसे जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी 1,000 लोगों को डेली खाना बनता है यहाँ पर, जो दोपहर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें उसमें कोई समय नहीं लगा उस किचन को द्वारा लाइनअप करने में, जिसके लिए हमारे पास कैपेसिटी जो है वो करीब 10 से 12 हज़ार लोगों का खाना बनाने के लिए डेली है। हमने उस फैसिलिटी को जल्दी से रैम्प अप करा और जैसे आदित्य जी को रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों ने उसके सहायता के लिए उनकी किचन को ओपन अपनी कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने 1,000 लोगों को से स्टार्ट करके आज हम लोग 10 से 12 हज़ार लोगों को खाना यहाँ पर बना पा रहे हैं। बिल्कुल इस कैपेसिटी को बढ़ाने का विचार है। जैसे हम लोग फेज़ वाइज बात करें तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम लोग एक समय के खाने से स्टार्ट करेंगे, फिर दो पे करेंगे, फिर तीन पर, फिर 24 घंटे कर देंगे इस खाने को पकने के लिए यहाँ पर। तो आने वाले दिनों में हमारा यही प्लान है कि हम इस जो हमने अब बीड़ा उठाया है काम करने का, इसको हम लोग 24 घंटे पे लेके आएँ कि 24 घंटे यहाँ पर लोगों को खाना जो है वो मुफ्त मिले। और हम लोगों के यहाँ पर एक आर ओ भी लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर पर आर की है। तो आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी जगहों पे पानी की सप्लाई भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिन लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए डेली पानी भी यहाँ से दे पाएंगे। मैंने सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज बनाया और उसे अपने जितने दोस्त थे, जो भी ग्रुप्स थे मेरे पास, मैंने डाल दिया, कल से आपके पास साधन होगा, पर ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनके पास कल को खाने का सामान नहीं होगा, तो क्या हम ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि फरीदाबाद में कल से कोई भूखा ना सोए? मेरी उम्मीद ये थी कि मैं दिन में 500 से 1,000 लोगों तक भोजन पहुंचा सकूं, इतना हो जाए तो बहुत होगा। हालांकि पहले दिन हम इतने तक ही पहुंच पाए, पर आज तक 21 ये 20वां दिन है लोकडाउन का, हम कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों तक मदद पहुँचा चुके हैं। हम मदद तीन तरह से पहुँचाते हैं, या तो हम उन्हें कुक्ड खाना पहुँचाते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं यहाँ हम रोटियाँ और सब्जी बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, वो खाना उन तक पहुंचता है। सुबह जो होता है हम उन्हें खिचड़ी देते हैं और रात के टाइम पे हम उन्हें ब्रेड और दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या जिन माओं ने अभी भी बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें दूध की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे हमें उन्हें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उन तक हम ये मदद पहुँचाते हैं। तो तीसरी कैटेगरी वो है आपके शहर में रहने वाले, चाहे वो बंदर हैं या गायें हैं या सड़क पर रहने वाले कुत्ते, उनके लिए हमने एक अलग से टीम बना रखी है जो सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जानवरों तक भी खाना पहुंच सके। देखिए तीनों समय का अगर हम मिला लें तो हम लगभग 15,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं इस वक्त। और जानवरों का अगर हम देखें तो जो आपका ओल्ड रेलवे स्टेशन है,
या सूरजकुंड रोड की तरफ आप जाएं या एस्कॉर्ट्स की जो फैक्ट्री है इसमें बहुत सारे बंदर हैं, सड़कों पे गायें हैं, इन तक भी हम अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर दिन हम लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों तक किसी भी तरीके से राशन पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमें इस वक्त राशन की आवश्यकता है और हम कोशिश करेंगे कि जब तक जीवन अपनी पटरी पर ना आ जाए, जीवन सामान्य ना हो जाए, लोग अपने रोज़गार पर वापस ना लौट जाएं, तब तक कोई भूखा ना रहे, हर इंसान कम से कम खाने से, भूख से ना मरे, कोरोना वायरस से ना मरे, ये हमारी एक सोच है। तो तब तक हम जारी रखेंगे जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और जब तक जनजीवन सामान्य स्तर पर नहीं आ जाता।